पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। बेटा एक बात बताओ, तुम जानती हो ना उस रात जब आग लगी थी तब मिस्टर जुगल ने काफी लोगों की जान बचाई। हाँ सुना था मैंने कि जुगल अंकल ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। तो तुम ये भी जानती होगी कि वो खुद भी जल गए थे लोगों को बचाते बचाते। इनफैक्ट वो और ज्यादा घायल हो सकते थे जी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर जुगल एक बहुत अच्छे इंसान है जो दूसरों की मदद करते हैं, जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर दूसरों की जान बचाई जी। वो अच्छे इंसान है, उसमें कोई शक नहीं है, और मैंने भी कभी इस बात से इनकार नहीं किया। ग्रेट। राशि, तुम हमेशा से चाहती थी ना कि तुम्हारे डैड तुम्हारे परिवार का हिस्सा फिर से बन जाए। तुम और चिराग तो उनके करीब भी हो गए थे, am I right? तुम चाहती थी ना कि तुम्हारी मम्मी भी उन्हें अपना ले और तुम लोग एक साथ रहो जी। तो तुम उसके लिए मिस्टर जुगल के पास गई थी मदद लेने, ताकि तुम्हारी मम्मी और डैडी फिर से एक साथ हो जाए जी। पर तुम जुगल के पास क्यों गई थी? कोई और भी तो होंगे I'm sure। मुझे लगा था कि वही एक है जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और उन्होंने मेरी हेल्प भी की थी। तो जो इंसान तुम्हारे मम्मी डैडी को एक करने के लिए तुम्हारी मदद कर रहा था, उन्हें अलग करने के लिए, क्या वही आदमी तुम्हारी मम्मी के नजदीक जाने के लिए तुम्हारे डैड को आग में ढकेल देगा? नहीं, दिल तो नहीं मानता, लेकिन खुद अपनी आंखों से देखा है तो उस पर विश्वास कैसे ना करूं। वो विजुअल मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। आई ऑब्जेक्ट यू ऑनर। देवी जी विटनेस से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछकर उसे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। देवी जी आप सवाल पूछिए, बट ओनली इफ इट इज रिलेवेंट। नोटेड योर ऑनर। बेटा एक बात बताओ, जब तुम्हारे डैड हॉस्पिटल से आ रहे थे तो उन्हें घर लाने के लिए कौन मना कर रहा था? मम्मी। लेकिन वो फिर भी घर आए, किसने सपोर्ट किया था तुम्हें उस वक्त? जुगल अंकल। जब दिलीप पटेल ठीक हो गए एंड इट वाज टाइम फॉर हिम टू शिफ्ट आउट, घर ढूंढने में उनकी मदद किसने की थी? जुगल अंकल। तुम्हारी मम्मी को किसने कन्विंस किया था कि दिलीप पटेल को इसी चौल में रहने दिया जाए ताकि तुम लोग जब चाहो मिल सको? जुगल अंकल। अब आप ही बताइए योर ऑनर, जिस जुगल ने पुष्पा जी के परिवार को जोड़े रखा, शांति बनाई रखी, दिलीप को उनके घर में रखा, चौल में रखा, वो भला दिलीप को मारने के लिए क्यों सोचेगा? एक बात बताओ राशि, आग के इंसिडेंट से पहले क्या तुम्हें ऐसा कोई भी ख्याल आया था कि तुम्हारे डैड दिलीप पटेल जुगल से कोई थ्रेट है, उनकी जान को खतरा है जुगल की वजह से? नहीं, लेकिन सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। नहीं। Objection, Your Honor. Don't bother. No need to. I'm done. Your witness. Your Honor, कोर्ट में बहुत सी दलीलें पेश की गई और सबका यही मानना है कि जुगल जी किसी की हत्या नहीं कर सकते, ये एक बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए इंसान। इनफैक्ट राशि का भी यही मानना है कि जुगल जी एक बहुत ही अच्छे इंसान है, ये किसी की हत्या नहीं कर सकते। हो सकता है कि इनके मन में दिलीप जी को मारने का कोई इरादा पहले ना आया, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इन्हें ये डिसीजन लेना पड़ा। योर ऑनर, अब मैं आपको बताता हूं कि उस दिन हुआ क्या। उस दिन रेस्टोरेंट में आग लगी जिससे कि चौल के कई लोग उसमें फंस गए। उसके बाद जुगल जी और दिलीप जी ने मिलकर काफी लोगों को वहां से बाहर निकाला। जैसा कि जुगल जी ने बताया
ये एक जलती हुई लकड़ी आकर दिलीप जी के पैरों पर गिर गई और वो वहीं पर फंस गए। उसके बाद दिलीप ने अपना हाथ इनकी तरफ बढ़ाया ताकि ये मदद कर सके, लेकिन तभी इनके दिमाग में एक वहशी ख्याल आया। इन्होंने सोचा कि इनकी कोई बीवी और बच्चा तो है नहीं, तो क्यों ना दिलीप जी का किस्सा आज ही खत्म कर दे ताकि ये पुष्पा जी के नजदीक जा सके। और इनका फ्यूचर ब्राइट हो जाए। तो इन्होंने दिलीप जी का हाथ नहीं थामा और अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें आग में धकेल दिया। और किस्सा ही खत्म कर दिया। उसके बाद ये बाहर आराम से आ गए और इन्होंने सबसे ये कह दिया कि ये दिलीप जी को बचा नहीं सके, लेकिन ये भूल गए कि उस भयानक हादसे को राशि ने देख लिया था। योर ऑनर, ये कोई हादसा नहीं था, कोई एक्सीडेंट नहीं था, इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। That's all you honor. The court is dismissed till tomorrow. हाई कोर्ट में डिफेंस वकील ने फाइनली आग कितने लगाई ये मुद्दा छेड़ी दिया। भैया ये अगला टायर पंचर है। अब केस जुगल के साथ साथ आग किसने लगाई उस पे भी चलेगा। हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, समझा? और अब किसी भी हाल में पुलिस से दूर रहना। अगर किसी दूसरे केस में भी अंदर गए ना तो फिंगरप्रिंट्स के निशान पुलिस ले सकती है। सर, हम लोगों को कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। ना, मेरा मकसद है, मुझे कोर्ट में हाजिर रहना होगा, और अगर मैं गायब हुआ तो मैं और फंसूंगा। फिर जुगल को सजा हो या ना हो, मेरी इंक्वायरी जरूर शुरू हो जाएगी। अब बात हम पे आ सकती है, हमें अलर्ट रहना होगा, समझे? चल चलो निकलते हैं। चिराग, कहाँ हो तुम? कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे, संतोष करंजीकर के बारे में। देवी जी, आप इस समय? पुष्पा जी, वो राशि कहाँ है? अंदर बेडरूम में सो रही है। गुड, सो रही है। मुझे चिराग का फोन आया था, उसे मुझसे कुछ अर्जेंटली बात करनी थी, इसलिए यहाँ बुलाया उसने मुझे। चिराग ने बुलाया? हाँ। अच्छा, वो मैम आप आ गई। ये मेरी कलीग है रिद्धि, आपको कुछ बताना चाहती है। मैम, संतोष करंजीकर को अपने आदमियों से बात करते हुए सुना मैंने। किसी भी हाल में पुलिस से दूर रहना। अगर किसी दूसरे केस में भी अंदर गए ना तो फिंगरप्रिंट्स के निशान पुलिस ले सकती है। जुगल को सजा हो या ना हो, मेरी इंक्वायरी जरूर शुरू हो जाएगी। तुम संतोष को कैसे जानती हो? सिमंस कैंप पे एक स्टोरी की थी मैंने, उसी सिलसिले में उनसे मिली थी, तभी उन्होंने बताया कि आग लगाने में किसका हाथ था। अगर ये मुझे पता होता तो मैं उसे कब का मार चुका होता। What are you saying? हैदराबाद जेल में किसी ने आग लगवाई थी। How is that possible? मुझे जहां तक पता है और मीडिया से जो मुझे पता चला वो ये है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, या हो सकता है किसी ने जानबूझकर शॉर्ट सर्किट करवा दिया हो। इसका मतलब हैदराबाद जेल में दिलीप ने आग लगाई थी या लगवाई थी। और ये बात संतोष को पता चल गई, जिसकी वजह से उसने दिलीप और उसके पूरे परिवार को जलाने की कोशिश की।
दिलीप ने खुद आग लगाई थी। लेकिन मैम, संतोष जी तो उनके दोस्त थे, संतोष जी ने तो बताया ही। लेकिन अगर आप कैब ट्रिप डिटेल्स देखें तो पता चलता है कि वो लोग फ्रिक्वेंटली मिला करते थे। और संतोष जी ने आग लगवाई हो, ये थ्योरी थोड़ी जम नहीं रही है। लेकिन रिद्धि की बातों से मैं यही अनुमान लगाती हूँ कि हो सकता है संतोष को इस बात का अभी अभी पता चला हो कि दिलीप इस्तवान, जिसने हैदराबाद जेल में आग लगाई थी, बस फिर क्या, जिस बदले की आग में वो इतने सालों तक जलता रहा, वो इतनी तेज निकली कि दिलीप की दोस्ती भी उसे शांत नहीं कर पाई। क्या इट ऑल मेक सेंस नाउ? यू नो, आई वॉज वंडरिंग, वो पहली इयररिंग से कोर्ट में आ रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि दिलीप की दोस्ती के कारण आ रहा है, बट नहीं, आई डोंट थिंक सो। वो इस केस पर नजर रख रहा है, ही इज वेरी क्लोजली ऑब्जर्विंग दिस केस, ताकि जहां जरूरत पड़े वो इस केस को गुमराह कर सके। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।